नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आई हूँ एक स्पेशल ब्लॉग लेके आप सबके सामने, और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ रामनगरी अयोध्या में अयोध्या के बिग ग्रैंड इवेंट दीपोत्सव को कैसे इस साल हमने मनाया। दीपोत्सव के पहले दिन का हमारा पूरा जर्नी, स्टेज प्रिपरेशन, स्टेज रिहर्सल, इस ब्लॉग में आपको हर चीज मैं सविस्तार से दिखाऊंगी। इसके साथ ही देखेंगे दीपोत्सव के पहले दिन सरयू नदी के किनारे 28 लाख दीपों का प्रिपरेशन, और साथ ही राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी के पावन सरयू नदी का घाट। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीना एंड त्रिशा चैटर्जी ऑफिशियल। सो आज मैं आ गई हूँ रामनगरी अयोध्या में, राम जी के जन्मभूमि अयोध्या में पहुँच गई हूँ मैं, और वो भी छोटी दिवाली में दीपोत्सव सेलिब्रेट करने। यहाँ पे आई हूँ मैं एक स्पेशल इवेंट दीपोत्सव को अटेंड करने, और यहाँ पे मैं कैसे पहुँची मुंबई से अयोध्या तक का मेरा सफ़र, और यहाँ पे मैंने क्या क्या किया वो तो आज के ब्लॉग में आप मेरे साथ देखने ही वाले हैं। इस बार के दीपोत्सव अयोध्या में बहुत ही ग्रैंड और भव्य होने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत जल्द अयोध्या में राम मंदिर का स्थापना होने वाला है, राम मंदिर के दरवाज़ा खुलने वाले हैं। सो इसलिए यहाँ इस बार के दीपोत्सव तो बहुत ही ग्रैंड होने वाला है, और हर बार की तरह ये उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम योगी जी आएंगे, और मतलब आई एम सो एक्साइटेड कि मैं पहली बार योगी जी को मीट करूंगी, और वो भी कुछ अलग ही गेटअप में, जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू गॉड के इतने बड़े हस्ती योगी जी को, रेस्पेक्टेड योगी जी को इतने सामने से देखने का मौका मिलेगा। सो आई एम रियली 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 एक्साइटेड। तो चलिए और ज़्यादा कुछ ना बोल के आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह मैं मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पहुंची, और दिवाली के अवसर पर मुंबई एयरपोर्ट का जो प्री दिवाली डेकोरेशन किया गया था वो बहुत ही सुंदर था। यस प्रभु, ये आ गया है राम जी। राम जी के गेटअप में ही आए हैं, एकदम राम जी ही लगते हैं ये। ये राम जी साथ में है, और ये हनुमान जी, हम सब जा रहे हैं इवेंट में। अब हम पहुंच गए यूपी के राजधानी लखनऊ में, और यहाँ लिखा है मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। तो मुंबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, और यहाँ से गाड़ी से जाऊंगी सीधा डायरेक्ट अयोध्या। तो अभी हम पहुंच गए हैं लखनऊ एयरपोर्ट, और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। ये है राम जी, हनुमान जी और लक्ष्मण। रामनगरी अयोध्या दिवाली सेलिब्रेट करने, एक्चुअली दिवाली का जो प्रोग्राम है उस पर अटेंड करने, छोटी दिवाली। लखनऊ से हम गाड़ी में बैठ गए अयोध्या के लिए, जो 2 से 2.5 घंटे की दूरी में है। यहाँ हमें जगह जगह दीपोत्सव के कटआउट देखने मिले। जल्दी पहुंच जाएंगे 2 घंटे में, 1 घंटे में।
वे में है, रुक चुके हैं यहाँ पे हाईवे में और पपड़ी चाट खाने के लिए रुके हैं, पपड़ी चाट और थोड़ा सा चाय पीने के लिए रुके हैं। तो ये लोग हमें पहचान गए और हमारे पास और चाय। सच कहूँ यहाँ का चाय और छोले फुचका बहुत ही यम था। यहाँ हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं रामनगरी अयोध्या में। तो अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ पे आज हम रुकने वाले हैं, ये है पंचशील होटल और ये एक्चुअली रिसॉर्ट है, अयोध्या में है ये सामने इतना बड़ा सा रिसॉर्ट, यहाँ पे हम रुकेंगे अंदर और इसके बाद के लिए जाएंगे रिसॉर्ट। यहीं पे मैं आज रात को रुकने वाली हूँ, आज और कल है दीप उत्सव और कल भी मैं रुकने वाली हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से मुंबई वापस जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा रूम का व्यू। सो दिस इज द रूम। होटल में फ्रेश होने के बाद कुछ ही टाइम में हम वापस निकले नेक्स्ट डे के स्टेज रिहर्सल देखने के लिए और ये रहा दीपोत्सव का एंट्रेंस गेट। हमें जगह जगह पे रामायण के हर अध्याय के हर कांड के कटआउट देखने मिले। प्री दीपोत्सव के अवसर पे अयोध्या नगरी को बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से सजाया गया था। इवन हमें बताया गया कि हर साल दीपोत्सव में देश और दुनिया के लाखों लोग आते हैं इस इवेंट को देखने। इसी समय रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या नगरी पहुंचे थे, जिस खुशी में अयोध्या के वासियों ने अपने घर में दीप जलाया था और यही से दीपावली यानी दिवाली की शुरुआत होती है। यहाँ पे आधिकारिक सर हमें सीटिंग अरेंजमेंट दिखा रहे हैं कि कैसे हमें कहाँ से आना है, हेलीकॉप्टर से उतरना है एंड देन रथ में बैठना है और कैसे कैसे हमें स्टेज तक जाना है, तो सब कुछ वो ब्रीफली हमें समझा रहे हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और VVIP इवेंट है जहाँ पे नेक्स्ट डे UP के रेस्पेक्टेड CM योगी जी, राज्यपाल, बाकी सारे मिनिस्टर्स आने वाले हैं, तो इसलिए हर एक चीज, हर एक तैयारियाँ बहुत ही परफेक्टली किया जा रहा था। यहाँ पे हम फर्स्ट डे का रिहर्सल करने आए हैं और वहाँ पे सर हमें समझा रहे हैं, तो भी स्टेज में जा रहे हैं। बग्गी यहाँ तक आई, आप लोग सब उतरेंगे अगेन उतरने। ये रहा दीपोत्सव 2023 का पूरा स्टेज जो अभी भी उसके तैयारियां चल रही है और ये है पूरा सराउंडिंग्स जहाँ पे मोस्ट VVIPs रहेंगे। हमारे सामने मेजर नेशनल मीडिया चैनल इस इवेंट को कवर करती है, दूरदर्शन चैनल में इस इवेंट को लाइव दिखाया जाता है और लाखों दर्शक भी आएंगे इस इवेंट को देखने। यहां
मेन इवेंट के हर एक चीज को समझने के बाद हम चले सरयू घाट की तरफ जहाँ पे मेन दीपोत्सव सेलिब्रेट होने वाला है। उसके लिए हम गाड़ी में बैठ गए और सरयू घाट की तरफ निकल पड़े। सो अभी हम पूरा देखने आए हैं, ये दीपोत्सव के पहले दिन है जहाँ पे शाम को सब कुछ दिखा रहे ऑफिसर लोग, थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा दिया और इसके बाद कहाँ पे बैठना है वो भी दिखाने वाले हैं। और आप देख सकते हो ये कितना सही है, कितना सुंदर लग रहा है रामनगरी अयोध्या, पूरे लाइट से सजी हुई है, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हम जब गेटअप में रहेंगे तो पहले इवेंट के बाद यहाँ पे आके हमें बैठना है और पास ही के बड़े स्टेज में सीएम योगी आदित्यनाथ जी, बाकी मिनिस्टर्स और फॉरेन डेलीगेट्स लोग बैठने वाले हैं। और ये रहा सरयू घाट। हनुमान जी और यहाँ हम पहुँच गए हैं सरयू नदी के किनारे जहाँ पे लाखों लाखों दियों का प्रिपरेशन चल रहा है। नेक्स्ट डे 22 लाख दिए जलाने का जो प्रिपरेशन है वो चल रही है क्योंकि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दर्ज होता है हर साल। सो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब ये एक साथ इतने सारे दिए देखने का मौका मिलता है। और आई एम सो लकी कि इस साल मुझे ये सब एक साथ देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीढ़ियों में भी लाखों लाखों दिया सजाया गया है और ये सब दिया गांव के औरतें अपने हाथों से बनाती है और यहाँ के जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो सब इस दियों का अरेंजमेंट करते हैं, उसको जलाते हैं। तो इतने बड़े ग्रैंड इवेंट के पीछे लाखों लाखों लोगों की मेहनत होती है और ऊपर से जब दिखता है ना तो बहुत ही सुंदर और भव्य लगता है। चलिए फ्रेंड्स, दीपोत्सव ब्लॉग के एपिसोड 1 को यहीं पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।